तो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो वर्कर के द्वारा किया जाए, ठीक है, जो स्टैंडर्ड और प्रेस्क्राइब जो क्या हुआ होता है सेफ्टी, उससे हट के करे। ठीक है, यानी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड में ना करे, या जो प्रेस्क्राइब क्या हुआ है उस काम को करने का, उसके अकॉर्डिंग वो ना करे, और उसके उस काम के करने की वजह से या तो उसके साथ किसी तरह का एक्सीडेंट हो या रिस्क हो, या दूसरे के साथ किसी तरह का एक्सीडेंट हो या रिस्क हो वर्क क्षेत्र पे, यानी वर्क प्लेस पे, या किसी तरह के इक्विपमेंट के डैमेज होने के चांसेस हों, या किसी तरह के लॉसेस होने के चांसेस हों, या जो रेपुटेशन है उसके क्षति होने के चांसेस हों, या जो एम्प्लॉयर का रेवेन्यू है उससे वो डैमेज होने वाले हों, तो ये सारी परिस्थिति जो हमारी होती है वो सारी हमारी अनसेफ एक्ट में चली जाती है। इसको सिंपल यूं कह सकते हैं कि किसी आदमी के द्वारा ऐसा किया गया काम जिससे खुद उसको या अन्य व्यक्ति को या एनवायरमेंट को या किसी तरह के इक्विपमेंट को किसी तरह की हानि पहुंचे, वो हमारा अनसेफ एक्ट होता है। और कोई भी कंडीशन या सिचुएशन, जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, या जो इन्वायरमेंटल जो होते हैं, विच इंक्रीज द रिस्क एंड डेंजर्स ऑफ एक्सीडेंट कैन बी कॉल्ड, जो किसी तरह के रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसी खतरे को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, वो हमारा अनसेफ कंडीशन कहलाता है। यानी सिंपल यूं कह सकते हैं कि किसी जगह की ऐसी स्थिति या परिस्थिति जिसके कारण किसी तरह का भी, है ना, रिस्क और हैजर्ड्स होने का संभावना हो, वो हमारा अनसेफ कंडीशन है। देखिए, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक बंदा है, जो बंदा एक सामान जो फोर्क लिफ्ट के थ्रू अरेंज किया हुआ है, वो प्रॉपर नहीं अरेंज किया हुआ, इम्प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके नीचे वो बंदा खड़ा है, उसका इस तरह से खड़ा होना अनसेफ एक्ट है। लेकिन एक दूसरा इमेज जो आपके बगल में है, वो इमेज ये है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि एक फोर्क लिफ्ट, है ना, गलत ढंग से इम्प्रॉपरली बॉक्सेस को अरेंज किया हुआ है, जिससे बॉक्सेस के गिरने का या जो ड्राइवर के देखने का चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी ड्राइवर उसको अच्छे से आगे देख नहीं सकता है, वो बॉक्स फॉल हो सकता है, गिर सकता है, तो ये हमारा अनसेफ कंडीशन है। यानी कि यहाँ अगर आप देखें तो ये बॉक्स का जो स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये इजीली गिर सकता है, पड़ सकता है, और ये बंदा ऐसे परिस्थिति में जाकर के खड़ा है कि जिससे इसको चोट लग सकती है, तो ये हमारा अनसेफ एक्ट हो गया, ये हमारा अनसेफ कंडीशन हो गया। चलिए कुछ हम एग्जांपल्स और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा, है ना, सिचुएशन या कंडीशन जो किसी तरह से वर्कर को इंजर्ड करे, मशीन को डैमेज करे, या बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस का कारण बने, ठीक है, या इन्वायरमेंट पर वो इफेक्ट डाले, या हेल्थ पर इफेक्ट डाले, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगे सीधे अनसेफ कंडीशन की तरफ। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फिगर में एक आपके सामने हम इमेज रखे हैं, आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देख करके क्या लग रहा है, क्या क्या अनसेफ एक्ट इसमें हो सकता है। फर्स्ट, जैसा कि इस बाइक में आप देख सकते हैं कि इस बाइक में क्या है, ब्रेक नहीं है, फॉल्ट ऑफ ब्रेक है, ये अनसेफ कंडीशन कहलाएगा। रियर मिरर नहीं है, पीछे देखने का जो शीशा लगा होना चाहिए बाइक में वो नहीं है, ये हमारा अनसेफ कंडीशन में चला जाएगा। लो एयर प्रेशर इन बोथ टायर, टायर में देखिए प्रॉपर हवा नहीं है, ये अनसेफ कंडीशन है। रोड जो है, रोड अगर अच्छा नहीं है, रोड में गड्ढा गुड्ढी है,
ठीक है, अन इवन सरफेस है, ये हमारा अनसेफ कंडीशन में चला जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हमारे अनसेफ कंडीशन की हैं। इम्प्रॉपर लाइटिंग, फॉल्टी ट्रैफिक लाइट, एडवर्स वेदर कंडीशन, ब्लाइंड कंसर्न, स्लिपरी सरफेसेस, लैक ऑफ स्पीड गवर्नर्स, इंडिकेटर नॉट वर्किंग, ये जितनी भी चीजें इस गाड़ी के अंदर आपको दिख रही है जो नहीं है और होना चाहिए, ये सारे हमारे अनसेफ कंडीशन हैं। आइए हम देखते हैं, आइए आप कुछ को कुछ एग्जांपल्स आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं अनसेफ एक्ट का। ठीक है, अनसेफ एक्ट जैसा कि हम बताए थे कि किसी आदमी के द्वारा ऐसा किया गया काम जो काम की वजह से या तो उसको या अन्य किसी को भी इंजुरी का या हैजर्ड का कारण बने। जैसे एक बंदा जो गाड़ी चला रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है उसको गाड़ी चलाने की, यह अनसेफ एक्ट है। वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अनसेफ एक्ट है। वो स्पीड लिमिट से अगर ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा है, यह अनसेफ एक्ट है। ठीक है, हेलमेट का यूज नहीं कर रहा, अनसेफ एक्ट है। जब गाड़ी चला रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है सर में दर्द आ रहा है, चक्कर सा आ रहा है, वो अनवेल फीलिंग कर रहा है, तो ऐसे फीलिंग में गाड़ी नहीं चलाना है। अगर चला रहा है तो यह अनसेफ एक्ट है। ठीक है, किसी मशीन को वो नहीं जानता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे चलाया जाए, उस मशीन को चलाने की कॉम्पिटेंसी और ट्रेनिंग उसके पास नहीं है, फिर भी उस मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा है, अनसेफ एक्ट है। किसी फॉल्टी यानी किसी खराब मशीन को चलाने की कोशिश कर रहा है, किसी खराब मशीन को चलाना अनसेफ एक्ट है, और उस मशीन का खराब रहना यह आपका कंडीशन है। ठीक है, सेफ प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस नहीं है किसी वर्कर के पास। जैसे कि वो मशीन चला रहा है, उस मशीन में कुछ हमारे सेफ्टी गार्ड्स लगे हुए हैं, उसको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए बंदे को पता नहीं है, और वो फिर निकालने की कोशिश कर रहा है, ये अनसेफ एक्ट है। किसी मशीन को उसके स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में चलाना, ठीक है, वो भी हमारा अनसेफ एक्ट में आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन